नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल में। यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी कुछ जानकारी देंगे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर क्या कुछ शामिल किया है और कौन कौन सी नई योजनाएं, नई घोषणाएं देखने को मिली है इसके अंदर। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक लाल बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जैसे उसे दबाएंगे आपके सामने एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आपको आप देख सके कांग्रेस की हो या भाजपा की कोई भी नई योजना आती है, पूरे देश में हो या फिर राज्य सरकार में हो, कोई भी नई घोषणा आती है तो उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर सबसे पहले अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाना होगा। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें, सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि 20% लोगों को 72,000 रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों, कौन 20% लोग होंगे जिनको मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसके अलावा आपको बता दें 22 लाख बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, ये भी बड़ी अपडेट आई है। उसके अलावा आपको बता दें नरेगा में अगर अब 100 दिन की जगह 150 दिन तक काम मिलेगा और साथ ही किसानों के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो पूरी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही तो हमारी मेहनत का फल होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, न्यूनतम आय योजना और किसान बजट समेत किए 5 बड़े वादे। तो आपको बता दें कांग्रेस ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया है। तो आपको बता दें पूरी न्यूज किस प्रकार से आ रही है। तो आपको बता दें कांग्रेस ने मंगलवार को आम चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया है। इसके तहत गरीब तबके के लोगों को प्रतिमाह 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र को जनआवाज नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने चुनाव चिन्ह हाथ की थीम को ध्यान में रखते हुए 5 बड़े वादों को इसमें शामिल किया है। दोस्तों, चुनाव चिन्ह हाथ को क्यों, क्योंकि हाथ में जिस प्रकार से 5 अंगुलियां होती है उसी प्रकार से इन्होंने भी अपना यहाँ पर 5 जो योजना है उनका फायदा देने की बात कही है। इस प्रकार की बड़ी अपडेट आई है। तो आप बताते हैं 5 बड़े वायदे कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें, फर्स्ट वायदा, हर साल गरीब तबके के 20% लोगों के खाते में 72,000 रुपये आएंगे। तो आपको बता दें पूरी न्यूज़। तो दोस्तों, बता दें आपको कांग्रेस ने इस स्कीम के लिए गरीब परिवार को हर साल 72,000 का नारा दिया है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होने वाला है यह पहले आपको बता दें। इसके अंतर्गत आपको 72,000 रुपये सालाना, यानी कि अगर महीना की बात की जाए, मासिक की बात की जाए तो 6,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। तो दूसरा बड़ा ऐलान वो इस प्रकार का है कि 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कांग्रेस ने किया है। 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायत में रोजगार देने का वादा किया है। 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी से भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दें इस प्रकार की बड़ी अपडेट आई है। तो आपको बता दें कि 10 लाख ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा, उसके अलावा 12 लाख अदर जगहों पर दिया जाएगा। इस प्रकार की बड़ी अपडेट आई है। और 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बताते हैं आपको तीसरा बड़ा ऐलान, तो मनरेगा में काम के दिनों को बढ़ाकर 100 से 150 करने का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें, पहले मनरेगा में मात्र 100 दिन तक ही काम मिलता था,
और अब कितना मिलने वाला है 150 दिन का, यानी कि टोटल 100 से बढ़कर सीधे 150 दिन हो गए, यानी कि अब इनकम भी ज़्यादा होगी। इसीलिए ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रहने वाला है और यहाँ पर 100 की जगह अब 150 दिनों तक आपको कार्य मिलेगा। ये भी बड़ा ऐलान है। अब बता दें आपको चौथा बड़ा ऐलान, तो आपको बता दें किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का ऐलान। किसानों को कर्ज ना चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा। तो आपको बता दें जिस प्रकार से एक बजट आता है जिसमें संपूर्ण बजट दिया पेश किया जाता है, उसमें अब किसानों के लिए मात्र एक किसान के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। यानी कि अब किसानों को कौन कौन सी योजनाओं का फायदा देने वाला है सरकार पूरे 5 सालों के भीतर, तो उसका एक अलग से बजट जारी किया जाएगा जिसके अंतर्गत अपनी राशि करेंगे करोड़ों रुपये में, और इस प्रकार से उन्हें नई योजनाओं का फायदा, नई जो है ऐलान देखने को मिलेंगे उनके बजट में। और अगर अब किसान कर्ज नहीं चुका पाते हैं किसी कारणवश और डिफॉल्टर किसान हो जाते हैं, तो अब आपको बता दें ये किसानों को कर्ज न चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी निकल के आई है, तो सारी बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों बता दें ये बजट, ये जो घोषणा पत्र है इसमें आपको बजट की बात हो या फिर नरेगा की बात हो या फिर नौकरियों की बात हो, ये सिर्फ एक घोषणा की गई है, ना कि नया जो ऐलान है वो देखने को मिला है। क्योंकि नया ऐलान तभी कर सकते हैं जब वो जीत जाएंगे, और जीत जाने के बाद ये सब कुछ कर पाएंगे। और आप दोस्तों वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि किसको वोट देना है। इसके अलावा भी कई घोषणाएं देखने को मिली है, उसमें से एक प्रमुख और बता दें तो GDP का 5% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो आपको बता दें GDP यानी ग्रॉस डेवलपमेंट जो होता है प्रोडक्ट उसका, तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यानी कि GDP का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यानी कि जो भी रुपए आते हैं उसका 6% शिक्षा पर किया जाएगा, यानी कि नई नई योजनाएं चली जाएगी और स्कूलों में नए नए तरह के जो योजना है वो देखने को मिलेगी, नई नई फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी स्कूलों में। ये बड़ी अपडेट आई है, आपको बता दें यूनिवर्सिटीज़ IIT IIM और समेत टॉप संस्थानों तक गरीबों की पहुंच को आसान करने का वादा किया गया है। तो आपको बता दें यूनिवर्सिटीज़ में, या यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटीज़ जो विश्वविद्यालय या IIT या IIM ये टॉप संस्थान होते हैं दोस्तों, इन तक गरीबों को पहुंचाने का आसान किया जाएगा रास्ता। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि आपको अब जो कम रुपए होते हैं उसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, यानी कि जो पढ़ाई होती है उसको कम कर दिया जाएगा। और अगर बात की जाए कांग्रेस सरकार की, तो इन्होंने लड़कियों की शिक्षा राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा के रास्ते भी खोले हैं और निःशुल्क करने का वादा किया है और उसके संपूर्ण पूरा भी करने जा रहे हैं। और ये बड़ी अपडेट थी। और हम बता दें आपको राहुल क्या बोले, राहुल गांधी जी क्या बोले, तो बहुत बता दें आपको राहुल बोले वादे किए हैं तो निभाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम हर दिन प्रधानमंत्री के तमाम झूठ सुनते हैं, इसलिए हमारा कहना है कि हम अपने वादे को निभाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस मैनिफेस्टो को 1 साल की कड़ी मेहनत से लोगों की राय लेकर तैयार किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का शीर्षक भी हम निभाएंगे रखा है। तो ये तो राहुल गांधी का बयान था। अब क्या कहा मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह बोले देश भर में होगी घोषणा पत्र की चर्चा। तो आपको बता दें घोषणा पत्र जारी करते हुए पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो की चर्चा देश भर में होगी, गरीबों के कल्याण को इसमें जगह दी गई है। यह आगे बढ़ने वाला घोषणा पत्र है जिसमें गरीबों, छात्रों, किसानों और अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा गया है। हम लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि बीते 5 सालों के BJP राज में कैसे किसानों और गरीबों के हितों की अनदेखी हुई है। तो उसके अलावा चिदंबरम और गहलोत समेत तमाम नेता भी वहाँ पर मौजूद थे जब घोषणा पत्र किया गया था जारी। और यहाँ पर किस प्रकार से, तो आपको बता दें अमर्त्य सेन के सलाह से चिदंबरम की कमेटी ने किया तैयार। तो आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व वाली कमेटी ने 3 महीने में तैयार किया है। इस मैनिफेस्टो को तैयार करने में कांग्रेस ने अमर्त्य सेन सदी के दिग्गज अर्थशास्त्रियों को से सलाह ली थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गरीबों को प्रति महीने 6,000 रुपये दिए जाने की स्कीम भी अमर्त्य सेन की सलाह पर ही जारी करने की बात कही गई है। अब बता दें दोस्तों मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी 1 साल में 6,000 रुपये दे रहे हैं किसानों को। लेकिन ये बड़ी बात है कि मासिक 6,000 रुपये दिए जाएंगे, और ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपके लिए खुशखबरी है, चाहे जो भी आए आपके लिए खुशखबरी लेकर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या कहा गया है
कांग्रेस विल डिलीवर, यानी कि कांग्रेस आपको जल्द योजनाओं का लाभ देगी और हम निभाएंगे। इस जो ये बड़ा नारे के साथ उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया है। तो इस प्रकार की ये बड़ी अपडेट, आशा करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करना एकदम फ्री है। लाइक करने से हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा और साथ ही हमें प्रोत्साहन भी मिल जाएगा, ताकि हम लेकर आ सकें आपके लिए रोज़ बड़ी खबरें सबसे पहले। और साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक गरीब, हर एक युवा, एक बेरोजगार, एक किसान तक ये खबरें पहुंच जाए। तो और दोस्तों इस जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप देख सकेंगे हमारे लेटेस्ट वीडियो, जो देश में जो भी कुछ नया आता है उसका लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।